Hey, hi everyone, welcome back to my channel and another blog. So, अभी हो रहे हैं सुबह के 8, जो मैं अभी सो के उठी हूँ एंड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कल रात को, तो मैंने सोचा कि नीचे ही सो जाऊँ ताकि थोड़ी सी ठंडी लगे, क्योंकि अभी मेरे को एसी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि एसी में सोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन दिल्ली में आप एसी को अवॉइड नहीं कर सकते। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग कि हमारे घर में आज तक कोई एसी यूज़ नहीं कर रही है। इस साल हम लोग सोच रहे हैं एसी फाइनली लिया जाए घर के लिए, लेकिन एसी अगर ज़रूरत नहीं है तो यूज़ ना ही करो तो ज़्यादा अच्छी रहती है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन होती है जब मैं एसी यूज़ करती हूँ। तो सुबह की शुरुआत आज यूजुअल मैंने अभी जीरा वाली पानी से कर रही हूँ। आज त्रिफला पानी पीने की मन नहीं थी, मतलब मैं अल्टरनेटिव दिन में अल्टरनेटिव थिंग्स पी रही हूँ, क्योंकि हर दिन सेम चीज़ें पियोगे तो फिर लगेगा कि अरे यार ये तो मेडिसिन बन गई है मेरे लिए, तो बस वही वाली फीलिंग्स नहीं लेनी थी, इसीलिए मैंने जीरा पानी ही पी रही हूँ। एंड तब मेरी दोस्त न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो वहाँ से उसने कुछ न्यूज़ बताई तो मैं हंसने लगी एंड बस हम लोग डिस्कशन वैसे ही कर रहे थे। एंड डिस्कशन मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम डिस्कस करते हैं मुझे ज़्यादा याद रह जाती है एंड लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस थिंग इन योर प्रिपरेशन। अगर आपके पास कोई दोस्त है तो आप डिस्कस करो, अच्छे से याद रहती है। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से भी मतलब बार बार चीज़ें याद कर सकते हो। तो ये देखो मेरी हैरी पॉटर वाली घड़ी, जो मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट की थी एंड मेरी बर्थडे को। मैं इसको ही टेबल में भी रख रही हूँ, क्योंकि मैं जो घड़ी टेबल में रखती थी वो ख़राब हो गई है, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया और मेरे को अभी ख़रीदने का कोई इरादा थी नहीं। एंड ये छुटकू सा है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती है, तो मैंने इसको ही टेबल में रख दी है। और काफ़ी ज़्यादा वो हैरी पॉटर का फ़ैन भी मैं हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए ही उसने मुझे गिफ्ट की थी। तो अभी पढ़ाई की शुरुआत मैं हिस्ट्री से कर रही हूँ। कल रात को हिस्ट्री करते करते मैं सो गई थी एंड मेरी टारगेट आज ये है कि मैं आज हिस्ट्री ख़त्म कर लूँ, मतलब मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री ख़त्म कर लूँ अप टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद की जो हिस्ट्री है मैंने उसका नोट्स बना रखी है, तो मैं वहाँ से ही करूँगी। ज़्यादा उसके लिए स्पेक्ट्रम अभी बैठ के नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि अगर आप एनालिसिस देखने के लिए जाओ तो हिस्ट्री की पोस्ट इंडिपेंडेंस से काफ़ी कम क्वेश्चंस आती है प्रीलिम्स में। सो नाउ आई हैव वेरी लिटिल टाइम फॉर एग्ज़ाम, मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ूँ, लेकिन जितना पढ़ूँ अच्छे से पढ़ के जाऊँ, बस यही मेरी टारगेट है। एंड पढ़ते पढ़ते काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और मेरे को अभी ब्रेक लेने का भी मन नहीं था, इसीलिए मैं गई और एक वाटरमेलन कट करके ले आई और उसको ही अभी खा रही हूँ। एंड खाते खाते ही पढ़ाई कर रही हूँ। यूजुअली मैं कभी ऐसी नहीं करती कि खाते खाते पढ़ाई करूँ, लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ। अगर हल्का फुल्का कुछ खाना हो पढ़ाई के बीच में तो मैं खा लेती हूँ। और अभी इतना समर है तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए वाटरमेलन से अच्छा चीज़ तो और कुछ है नहीं। और फिर क्या था, जब 12 बज गए तो मुझे मतलब गर्मी इतना ज़्यादा लगने लगी कि मैंने सोचा चलो जाके नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद ये था कि मुझे आज अपनी हेयर को थोड़ी सी केयर करने की मन किया, तो मैं उसको बस कम कर रही थी। एंड जो हेयर फॉल हो रही है दिल्ली आने के बाद, मतलब मेरे को रोना आ रही है, मेरी हेयर की हालत हद से ज़्यादा बदतर हो गई है अभी। खैर कोई नहीं, पढ़ाई भी ज़रूरी है, इसलिए ये चीज़ें तो चलती रहेगी लाइफ में। तो मैं बस वही उसको कम कर रही थी एंड तब देख रही थी कितने झाड़ू जैसी मेरी बाल है। एंड तब तक 1 बज गए थे, सारे काम खत्म किया, पूजा वगैरह की मैंने, सुबह सुबह नहाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उठने में ही देरी हो जा रही है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा खैर कोई नहीं, चलो पढ़ाई करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बॉडी को हाइड्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, अचानक से गर्मी बढ़ गई है ना, यही दिक्कत है। मतलब वैसे फेस वाइज जब होती है ज़्यादा फील नहीं होती है, लेकिन अचानक से सर्दी हो रही थी, अचानक से गर्मी, वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और ये जो पुदीना का पेड़ है आप देख रही हो, ये मैंने खुद से उगाई है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है प्लांटिंग वगैरह करने में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा करूँगी नहीं वरना पढ़ाई हम पर होगी। अगर घर में होती तो मैं ज़रूर करती। और पुदीना के वैसे भी पुदीना का पत्ता काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है जूस वगैरह में, यही सोच के ही मैंने उसको लगाई थी। तो बस मैं छाछ बना रही हूँ अभी, दही, उसमें थोड़ी सी पुदीना डाली एंड जीरा पाउडर, सॉल्ट एंड दैट्स इट। क्योंकि छाछ काफ़ी अच्छा होता है समर के लिए, मुझे इतना ज़्यादा इसको पता नहीं था। जब मैं दिल्ली आई तो मुझे एक दोस्त ने बताई एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने अडॉप्ट कर ली। वैसे खाने में मेरा ये रहता है, अगर कोई अच्छा खाना किसी भी स्टेट का हो मुझे मिल जाए तो मैं उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्स खाना है इंडिया में, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है और हम घर में भी खाती हैं डिफरेंट आइटम। तो बस मैं छाछ पी के फिर दोबारा से अपनी दूसरी स्लॉट जो आज की थी मैं वही शुरू कर रही हूँ अभी, मतलब इकोनॉमी से।
इग्नोमी वैसे तो मैं सुबह करती थी, लेकिन आज मैं दोपहर को ही कर रही हूँ क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो हिस्ट्री कर लेते हैं। और उसके बाद मुझे याद आया क्योंकि मुझे आज ओल्ड राजेंद्र नगर जानी थी किताब लाने के लिए, तो वेदर भी काफ़ी अच्छा था, मतलब धूप नहीं हो रही थी, बारिश सा हो गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश भी हुई थी बीच में। मैंने किताब ले ली थी और उसके बाद काफ़ी भूख लग रही थी तो मैंने एक पराठे खाए। एंड ये वो किताब है जो लाने में गई थी मार्केट। मैं जैसे कि आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि PMFIS का ज्योग्राफी का बुक काफ़ी अच्छी है एंड उसका एनवायरमेंट का भी, तो ज्योग्राफी का मेरे पास नहीं था तो मैं उसको लाने ही गई थी। तो वापस आने के बाद जब घर से बात कर रही थी तो मेरा मन किया कि मैं इस ड्राइंग में थोड़ी सी प्रोग्रेस करूं, तो उसको बस थोड़ी सी मैंने पेंट की, लेकिन काफ़ी गंदा हो गया तो मुझे अभी पेंट चेंज करने की ज़रूरत है, तो मैं उसको बाद में करूँगी। एंड डिनर वगैरह ख़त्म करके दोबारा से पढ़ने बैठ गई थी मैं, और पढ़ाई ख़त्म हुई 12 बजे, लेकिन हिस्ट्री की 2 पेज अभी भी बच गए थे और मेरे दिमाग में अभी वो घुस नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि यहीं पे ही इसको रख देती हूँ एंड थोड़ी सी सब्जेक्ट चेंज कर लूँ। तो फिर क्या था, CSAT तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको ही पता है, और दिन में मैंने आज कुछ नहीं किया था तो मैंने सोचा कि चलो अभी CSAT कर लेती हूँ। और वैसे भी मैथ एक टाइम में मेरी फेवरेट टॉपिक हुआ करती थी, तो मैंने सोचा चलो मैथ ही करूँगी अभी। एंड मैंने रीजनिंग का काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए थे और मैथ में शुरू कर रही हूँ आज नंबर सिस्टम से। तो बस मैंने 1 घंटा फिर मैथ किया, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नंबर सिस्टम के कर लिए थे क्योंकि नंबर सिस्टम का सारा बेसिक्स मुझे याद थे, तो मैं बस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी एक्सप्लोर कर रही थी, जो जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है उसको ही प्रैक्टिस कर रही थी। एंड इस साल के CSAT को देख के तो वैसे थोड़ी सी डर तो लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, आपको बेसिक से ही करनी पड़ेगी। तो मैंने CSAT ख़त्म की एंड टाइम थी एक्सरसाइज की, हाँ मैं रात को कर रही हूँ क्योंकि सुबह उठने में देरी हो रही है एंड काफ़ी ज़्यादा बॉडी में थोड़ी सी पेन रहती है तो मैं नहीं कर पाती सुबह सुबह। तो मैंने योगा की, सूर्य नमस्कार वगैरह ख़त्म किया एंड थोड़ी सी डंबल, एंड देन अपने लिए बिस्तर लगाई और तब तक अब घड़ी देख सकते हो 2:10 हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो बालकनी में थोड़ी देर खड़ी हो जाऊंगी ताकि जो गर्मी लग रही है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाऊं मैं, क्योंकि आप अच्छी हवा चल रही थी और बालकनी का डोर खोल के भी हम लोग नहीं सो सकते, थोड़ा सा डर लगता है। तो फिर बस ये थी आज की मेरी पूरी दिन, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।